गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं थोड़ा काम से, रोज ही काम मतलब इस टाइम तो रोज ही काम ही काम है, तो ब्लॉग भी बना लेते हैं। क्यों, ब्लॉग तो बनाना ही है, ब्लॉग हमारा बनाना मेन काम है ना हमारा। बड़ी कूल लग रही हो आज तो तुम। गाइस पता है आज बहुत धूप है, वो तो आपको दिख ही रहा होगा, गर्मी आ रही है ना, इस गर्मी आ रही है और निकलना मुश्किल है। इस टाइम इतनी धूप है, गर्मियों में क्या हाल होगा। रात के पता है, सॉरी दोपहर के कितने बज रहे हैं, रात के। तो गाइस टाइमिंग होने जा रही है, एक बजने जा रहा है, 3 मिनट का। इस जगह पे बंदर बहुत है, मैं इस बात से दुखी हूँ और इतना डर लगता है बंदरों से, बता नहीं सकते। देखिए पहले गाइस वहाँ सामने तू बंदर है, हट, मैं तो बंदरों को दिखा रही, तू आ गई सामने पागल। सामने गाइस पेड़ के पास, और एक तो रास्ते में ही बैठा है, सड़क पे बिल्कुल सही है। ये ट्रेन जा रही है, मैं खड़े वेट कर रहे हैं, ट्रेन जाएगी तो हम भी जाएंगे। कितना समय लगेगा अभी, उधर भी इधर पटरी पे जा रही है, उधर भी जा रही है। यार जब मोदी जी आए ना ट्रेन में साफ रहने लगी, देखो यार इतनी चमक रही है ना। हाँ पहले तो बहुत गंदी रहती थी, नहीं पता नहीं, और साफ चाहिए मोदी जी यार, वो बोल देंगे। हमने कर लिया पार, पटक दिया, हम बस जा ही रहे हैं गाइस। यार बहुत धूप है, हमने चश्मा लगाया, चश्मा भी नहीं लगाया। सभी हम आधे रास्ते पहुंच गए, मतलब थोड़ी दूर है। आज लोग पूछेंगे हम पैदल क्यों चलते हैं गाइस, क्योंकि वो थोड़ी दूर है जहां हम जा रहे हैं। मतलब हमारा ब्लॉग ही बनाना था, ये ऑटो ब्लॉग कैसे बनाएंगे, ये भी बात है। और हाँ मतलब हम सिटी में ही रहते हैं ना, तो हम सिटी में ही रहते हैं, तो हमने सोचा 4 रुपये खर्च करने, पैदल ही निकल लो और क्या, क्यों। और गाइस फाइनली हमारा काम हो गया, तो अब हम जा रहे हैं घर। लेकिन आज धूप ने अच्छा खासा हमें मजा चखा दिया, लेकिन कोई नहीं गाइस, साली को धूप लग रही है। तो गाइस साली प्रवचन दे रही है, कह रही है कि गोरे गाले की बात नहीं होती है, धूप से स्किन डैमेज हो जाती है। हाँ मेरी तो बात है, क्योंकि उस टाइम गर्मी आ रही है ना, तो मेरे फेस पे ना यहाँ आँखों के नीचे इतनी तेज जलन होती है सनलाइट से, बहुत यार मेरी तो आंखें नहीं खुलती हैं। हाँ। लेकिन यार अगर मैं वो बकेट हेड लगा लेती हूँ या फिर लोगों का रिएक्शन मुझसे नहीं देखा जाता, मतलब लोग घूरने लगते हैं, तो एज अ ब्लॉगिंग करते हैं तो लोगों की इतनी तीखी नज़रें होती हैं। तो हाँ सो गाइस मैं बकेट हेड इसलिए नहीं लगाती हूँ, मैंने बहुत शौक से खरीदी थी क्योंकि अजीब लगता है, क्योंकि वो यहाँ का कल्चर में कोई लगाता भी नहीं है, अब कोई लगाएगा तो बस हमें स्टार्ट करना पड़ेगा लगता है। होली आ रहे हैं तो पापड़ बिक रहे हैं, आनिया कच्चे खिला दोगी क्या, मैंने तो नहीं कहा। वो जो तिरंगा दिख रहा है कितना अच्छा लग रहा है लहराता हुआ, मैं जब भी इधर से आती हूँ मैं देखती हूँ, अच्छा लगता है यार, मस्त है ना, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख, लेकिन वो बहुत प्यार से लहरा रहा है और बहुत मतलब प्यारा लग रहा है लहराता हुआ। और गाइस बहुत धूप है, आइंदा से मैं कभी ऐसे नहीं आऊँगी, मेरी आँखें भी नहीं खुल रही हैं। मैंने कहा था दुपट्टा ले लो एक, कि नहीं तुम्हें तो मेरी बात सुननी ही नहीं है। मैं बहुत आलसी हूँ, मुझे कपड़े ढूंढने में आलस आता है ज़्यादा हूँ, लेकिन मुझे अपनी स्किन की बहुत केयर है। हे भगवान, मुझे भी केयर है लेकिन भगवान भरोसे। अपनी केयर अपने आप ही करनी होती बेटा, सच्ची माँ। यार गाइस पेड़ आ जाते हैं कितना अच्छा लगता है। हाँ हमारे दादाजी को बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए थे, दादाजी को, ताकि हम छांव में जल पाएं। अच्छा मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी की बात कर रही हो। हाँ, लेकिन मैं अब लगाऊंगी पेड़ ताकि वो छांव में चल पाएं, क्योंकि देखो पैदल चलने से हेल्थ बनती है, लेकिन धूप में नहीं चलना चाहिए, तो पेड़ लगाओ और इससे बचत होगी हमारे फ्यूल की, है ना। देखो देखो मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ, फ्यूचर का सोचती हूँ। और क्या, मेरे लिए भी कुछ सोचो, अपने पोतों के लिए कुछ सोचो आने वाली जनरेशन के लिए। वो बंदर दिख रहा है कितने प्यार से एक दूसरे की केयर कर रहे हैं, जूजू बीन रहे हैं। यार इंसानों में इतना प्यार होता है क्या, नहीं मैं तो तेरे थप्पड़ मारूं रोज सुबह शाम। हमारे यहाँ कहते हैं टीप मार के जुए भर आई मम्मी। कुत्ता ये भगवान की तो खतरनाक कुत्ता है। हाँ हाँ ये क्या कह रहे हो, लग भी रहा है। अच्छा ओए मम्मी ये लग भी रहा है पागल,
ये कुत्ते कहाँ से आ जाते पागल। हे भगवान, आज का दिन धूप में निकल गया, पक गया। इतनी धूप होती है यार, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है क्या? अगर हमें यहाँ से पानी भरना था पीने के लिए, वहाँ बंदर बैठे हुए हैं। हाँ, तू किधर गई? I am here. हाँ, हम अपने सब्सक्राइबर से वीडियो कॉल करते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम? I am here guys. Hi, how are you? मुझे नहीं दिख रहा है कुछ भी, इतनी धूप है। मुझे दिख रहा है। ये भगवान, अचानक से इतनी गर्मी कैसे हो गई? कल तक सब ठीक था। हाँ यार, अचानक से। पापा भी कह रहे थे दिन ब दिन गर्मी बढ़ रही है। कल सुबह बारिश भी हुई थी ना? हाँ, कल बारिश हुई थी। और क्या गाइस, तो पीछे अंकल जा रहे हैं, वो बकेट हेड लगाए हैं सच में, ले पिंक कलर की। क्या कह रही थी? लोग लगाते नहीं है, देख ले। थैंक यू अंकल, स्टार्ट कल से मैं लगाने लगूंगी। कॉन्फिडेंट आया, लगाने लगूंगी। बहुत धूप होती है, लगाने लगो यार। देखने के लिए खरीदी है। अच्छा मोमेंट निकल गया ये। एक तो कह रही मुझे तुम कैमरे में नहीं लाती, और आज जब मैंने कैमरे में लाई, उन्हें हरकतें क्या करी है। मेन शॉट है, इन्हें सूट ही नहीं करा यार। एकदम प्यारा पप्पी था, मेरे पास आ गया यार, कभी पागल है। चले फिर से पप्पी के पास, अब क्या चले? अब तुम पकड़, मेरा हाथ थक गया। नहीं पकड़ी रहा, पकड़ो। मैं तो तुम्हें आने नहीं देती ना। अरे यार, वीडियो काटी इसलिए? कोई बात नहीं, मैं घर जाके बता दूंगी बढ़िया करके। वाओ, इतनी दूर से हाई कर रहा, पास आके हाई कर ले। जहाँ पे कोई देखता है ना, ऐसे करके कोई कैमरा पकड़ा है। अब भी ऐसा करते हो किसी के साथ? ऐसा नहीं करना गाइस, डीमोटिवेट होते हैं हम लोग। बुरा लगता है, किसी को टोको नहीं, जो कर रहा है करने दो। कोई हो, हमसे भी ज्यादा शाय हो। हम हैं थोड़े बहुत, लेकिन हम शाय, लेकिन कोई हमसे भी ज्यादा शाय हो, अगर वो कॉन्फिडेंस ला रहा है वीडियो बनाने का, तो लोग उसे ऐसे ट्रीट करते हैं, तो वो तो डीमोटिवेट हो जाता है यार। मोटिवेट नहीं कर सकते तो डीमोटिवेट भी मत करो प्लीज। सो गाइस, ये था हमारा आज का व्लॉग। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा वीडियो। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और चैनल को सपोर्ट करें, कमेंट कर दें प्यारे प्यारे। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, जय सियाराम। और हाँ, जो एक दो लोग जो हमें कमेंट करते हैं, मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ आपका बहुत बहुत थैंक यू। आप हमें ऐसे कमेंट करते हैं, हमें अच्छा लगता है एंड मोटिवेशन मिलता है, तो इसलिए आप कहते हैं दिन से बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय 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 बाय।